हेलो फ्रेंड, तो यहाँ पे हम लोग स्पेशल करंट अफेयर देखेंगे आरआरबी जे एग्ज़ाम के लिए, जो आपका पिछले 6 महीने के पूरा का पूरा जो है यहाँ पे जो है कवर किया जाएगा इस करंट अफेयर में। तो आप आई होप जो है आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो भी क्वेश्चन आपके आएंगे अपकमिंग आरआरबी जे के लिए, तो आपको यहाँ से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स में भी अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, क्वेश्चन बात करते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच जो महिला T20 मैच जो आयोजित हुआ था, इसमें सीरीज़ में जो है प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का खिताब किसने जीता है। तो इंग्लैंड ने क्या किया था, भारत को T20 महिला जो है हरा दिया था 3-0 से। इन्होंने इंग्लैंड की जो महिला की टीम थी उन्होंने 3-0 से जो है भारत को हराया था। और इसमें जो है आपके ये जो मैच था इंग्लैंड में, इंग्लैंड ने भारत को जो है गुवाहाटी यानी असम के बारासारापा जो है क्रिकेट स्टेडियम में ये हुआ था। और इसमें जो है महिला जो इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम है उन्होंने जीत हासिल की थी 3-0 से। और इसमें जो है प्लेयर ऑफ द ये द सीरीज़ का जो खिताब था वो हमारे डेनियल व्याट ने जीता था। और डेनियल ब्याट ने जो है इस सीरीज़ को खिताब को जीता था। हालांकि जो स्मृति मंधाना थी इन्होंने भी 39 गेंदों में जो है 50 रन बनाए थे, लेकिन भारत जो है 1 रन से ये मैच हार गया था। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है NCRB का जो 30वां जो स्थापना दिवस था वो कब मनाया गया था। तो फिलहाल ये जो है 11 मार्च को मनाया गया था राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो दिवस। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, मदर टेरेसा की जो बायोपिक का नाम क्या है जिसे जो है 2020 में रिलीज़ किया जाना है। तो फिलहाल ये जो है मदर टेरेसा द सेट, ये बायोपिक का नाम है मदर टेरेसा द सेट जो 2020 में आपको रिलीज़ किया जाएगा मदर टेरेसा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि सिरसी सुपारी को जो है हाल ही में GI टैग मिला हुआ है, जो आपका एरेका नट सेक्टर में जो है पहला है। इसकी खेती जो है निम्नलिखित में से जो है किस राज्य में की जाती है, सिरसी सुपारी की जिसे GI टैग हाल ही में मिला है। तो फिलहाल इसकी जो खेती होती है वो आपकी कर्नाटक में की जाती है और इसे जो है हाल ही में GI टैग में मिला है। और एक आपको याद रखना है हल्दी को भी जो है हाल ही में GI टैग मिला है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। आपका यहाँ पे अगला क्वेश्चन है विश्व किडनी दिवस का विषय जो था वो क्या था। तो विश्व जो किडनी दिवस है तो ये हमेशा जो है आपका 14 मार्च को मनाया जाता है, 14 मार्च को मनाया जाता है। और इसका जो आपका ये थीम थी यानी इसका जो विषय था वो आपका था हर जगह हर किसी के लिए जो है किडनी स्वास्थ्य, ये इसकी थीम थी या फिर इसका विषय था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि विश्व पाई दिवस जो है कब मनाया जाता है। बस नॉर्मली आपको ध्यान देना है 14 मार्च को मनाया जाता है विश्व पाई दिवस। यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि उस गेमिंग प्लेटफॉर्म का नाम बताइए जो वीवो IPL 2019 का आधिकारिक भागीदार बन गया है। तो फिलहाल ये जो था आपका ये एप्स जो था आपका ड्रीम 11 था जो वीवो IPL 2019 का जो है आधिकारिक भागीदार बन गया है, ये आपको ध्यान देना है ड्रीम 11। और इसके जो मेन जो इसके ब्रांड एम्बेसडर थे वो हमारे MS धोनी थे, तो ये भी आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे थोड़ा सा, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के द्वारा निम्नलिखित में से जो है किस क्रिकेटर पर जो लगा लाइफ टाइम बैन था उसे हटा दिया है, यानी आजीवन प्रतिबंध था उसे हटा दिया। तो फिलहाल ये जो है श्रीसंत यहाँ पे इसका आंसर होगा, श्रीसंत पे जो है लाइफ टाइम बैनिंग किया गया था तो ये हटा दिया गया है श्रीसंत के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अपने ग्राहकों के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग किए बिना जो है ATM से पैसे निकालने के लिए भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI के द्वारा शुरू किया गया जो नई सेवा का नाम हमें बताना है। तो फिलहाल अभी SBI के द्वारा जो है विदाउट कैशलेस ट्रांजेक्शन के लिए यहाँ पर इन्होंने एक नई सेवा का जो इन्होंने योजना दिया है, और ये जो है आपका ये जो योजना शुरू की गई है ये योनो कैश आपका ये योजना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत के स्वच्छ भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा शुरू की गई परियोजना का नाम हमें बताना है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा नई शुरू की गई जो नई परियोजना है वो जो परियोजना है उसका नाम संगम है, जिसमें जो है क्या होगा कि भारत को जितने भी प्रधानमंत्री के थ्रू जो स्वच्छ भारत मिशन का जो योजना है उसको बढ़ावा देने के लिए जो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा।
अगला क्वेश्चन है कि भारत निर्वाचन आयोग ने जो है चुनावी पर्यवेक्षकों के लिए कौन सा एक ऐसा एप्स जो है वो जो है पेश किया है, तो ये है आपका ऑब्जर्वर एप्स। और इसके अंतर्गत जो है जो भी कैंडिडेट या जो भी जनता आचार्य संहिता के नियम का उल्लंघन करते हैं तो ये ऑब्जर्वेशन एप्स से उनके जो है उनके मतलब पता लगाया जा सकेगा और उन पे जो है अच्छे से कार्रवाई किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा देश जो है 2020 में पहली बार फीफा अंडर 17 यानी महिला विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है, तो फिलहाल ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है ये। तो 2020 में पहली बार जो फीफा अंडर 17 हो रहा है उसमें महिला विश्व कप की मेजबानी के लिए जो है भारत को सिलेक्टेड किया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है शुरू की गई एक अभियान थी उसे उसका नाम बताना है। तो भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक प्रधानमंत्री ने एक अभियान शुरू किया था जो अभियान था मैं भी चौकीदार, तो ये चालू किया गया था भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है 2019 का विषय क्या था, तो आपको ध्यान देना है 18 मार्च को हमेशा बेसिक यानी पुनर्चक्र यानी हमें ग्लोबल रिसाइकलिंग डे जो है हमेशा हम लोग 18 मार्च को मनाते हैं। और इसका जो मुख्य उद्देश्य ये होता है कि दुनिया भर में जितने भी सरकार हैं जितने भी व्यवसाय हैं और जितने भी समुदाय हैं और व्यक्तियों की मानसिकता को बढ़ावा दिया जाता है ताकि जो है वो एक पुनर्चक्रण के संसाधन के रूप में देखा सके और भविष्य में जो है जितने भी मेन इम्पॉर्टेंट जो सुरक्षा है या फिर जो चीज़ें हैं किसी भी थीम को पहचानने के लिए तो उन सारी चीज़ों को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और इसका फिलहाल जो थीम था आपका इसका थीम ये था कि भविष्य में पुनर्चक्रण, इसका मेन थीम यही था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है भारतीय रेल कोच का निर्माता का नाम हमें बताना है जो चीनी निर्माताओं से आगे निकलकर दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता जो है वो आपका बन गया है, तो फिलहाल ये जो है आपका ये ध्यान देना है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई, ये जो है भारत का रेल कोच निर्माता सबसे बड़ा बन गया है जो आपका दुनिया का सबसे बड़ा रेल कोच निर्माता बन गया है जो चाइना से भी आगे यानी चीनी से भी जो है आगे निकल चुका है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि नासा के किस दूरबीन ने जो है पल्सर की खोज यानी अंतरिक्ष से होते हुए की है, तो ये जो है इन्होंने फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप जो है इस दूरबीन से इन्होंने जो है अंतरिक्ष में दूरबीन से जो है पल्सर की खोज अंतरिक्ष से होते हुए की है फर्मी गामा रे जो स्पेस टेलीस्कोप है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि जियोमी द्वारा भारत में लॉन्च किए गए जो UPI बेस्ड पेमेंट का ऐप का नाम जो ना देना है बताना हमें, तो ये फिलहाल अभी हाल ही में जो है Xiaomi यानी Redmi की तरफ से लॉन्च किया गया MI Pay। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि विश्व मौसम विज्ञान जो संगठन है WMO 2019 का यहाँ पे थीम बताना है, तो फिलहाल इसका थीम ये था कि तो यहाँ पे इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा सूर्य पृथ्वी और मौसम। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 में जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड जो है किसने जीता हुआ है, तो देखिए 23 मार्च 2019 को जो है 64वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है मुंबई में जो है आपका BKC जियो गार्डन में आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम के तहत जो है बॉलीवुड के प्रमुख अभिनेता निर्देशक संगीतकार और गायकों ने जो है इसमें जो है भाग लिया था 64वें फिल्म फेयर अवार्ड में, तो इसमें देखिए सबसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला था वो राजी के लिए मिला था। और अगर हम बात करते हैं अभिनेता की यानी एक्टर में मेल की बात तो यहाँ पर रणबीर कपूर को मिला था संजू के लिए, और यहाँ पर जो आपका अभिनेत्री की बात करते हैं तो आलिया भट्ट के लिए मिला था आपको अभिनेत्री के लिए, और बाकी जो है आपका सबसे सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम के लिए संजय लीला भंसाली को मिला था जो पद्मावत से रिलेटेड करते हैं मूवी।
सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ गीत थी हमारी गुलजार, जो राजी फिल्म की है। और सबसे जो आपके, अगर हम बात करते हैं सिंगर के रूप में, मेल के अरिजीत सिंह को मिला था, और महिला में जो है श्रेया घोषाल को मिला था। और यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो है वो आपको श्रीदेवी को दिया गया था, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, श्रीदेवी को दिया गया था। और यहाँ पे देखिए अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, किस फिल्म में जो है सर्वश्रेष्ठ श्रेणी यानी 64वें फिल्म फेयर अवार्ड 2019 का पुरस्कार जीता है, तो फिलहाल राजी ने जो है जीता हुआ है ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड। यहाँ पे आपको ध्यान देना है एक चीज़ और, कि बेस्ट डेब्यू फीमेल के रूप में सारा अली खान को जो है सिलेक्ट किया गया है, बेस्ट डेब्यू फीमेल केदारनाथ के लिए। और पुरुष के लिए जो है ईशान खट्टर को जो है सिलेक्ट किया गया है, बियॉन्ड द क्लाउड्स मूवी है। तो आपके यहाँ से जो है मेन इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन जो है आ सकते हैं मे बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग प्लांट जो है उसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो आपको ये ध्यान देना है दुबई औद्योगिक पार्क यानी दुबई में सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा ई कचरा रिसाइकलिंग प्लांट जो है दुबई में जो है आपका किया गया है। भारत के सुपरसोनिक फाइटर जेट का हमें नाम बताना है, जिसने लंगकावी इंटरनेशनल मैरीटाइम्स एरो एक्सप्लो लीमा 2019 में जो है भाग लिया था, तो फिलहाल आपको ये ध्यान देना है, मैक्सिमम ये न्यूज़ में था क्वेश्चन, और तेजस यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, वर्ष 2020 में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स खेलों की मेजबानी करने के लिए कौन से शहर को जो है निर्धारित किया गया है, तो फिलहाल ये टोक्यो यानी जापान को जो है निर्धारित किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारतीय पुरुष बास्केटबॉल टीम ने कोच के रूप में जो है किसे नियुक्त किया गया है, तो फिलहाल ये जो है वेस्लिन मैटिक को नियुक्त किया गया है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, किस प्रौद्योगिकी कंपनी ने जो है चुनावी प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए जो है कैंडिडेट कनेक्ट और शेयर यू टू वोट नामक दो नए टूल्स लॉन्च किए गए हैं, तो फिलहाल फेसबुक ने जो है ये लॉन्च किया अभी हाल ही में। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय नोबल पुरस्कार विजेताओं का हमें नाम बताना है, जिन्हें हाल ही में जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के बोडले पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है, तो फिलहाल ये जो है अमर्त्य सेन को जो है सम्मानित किया गया है। ये अगला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस रेलवे को जो है भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंटर काउंसलिंग फॉर ग्रीन मेजर्स द्वारा जो है गोल्ड रेटिंग से जो है सम्मानित किया गया है, तो ये आपका यहाँ पे जो है विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को जो है सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में जो है उनकी शानदार उपलब्धियों के लिए जो है प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है, तो फिलहाल ये जो है राजेंद्र कुमार जोशी को जो है सम्मानित किया गया है, राजेंद्र कुमार जोशी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे 5G कवरेज के साथ विश्व का पहला जिला यहाँ पे पूछा गया है कौन सा बन गया है, तो देखिए आपके दक्षिण कोरियाई जो था सबसे पहले 5G लॉन्च किया था, लेकिन यहाँ पे जिला से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछता है और मे बी ये क्वेश्चन जो है इस टाइप का आ सकता है, जिला पहला जिला यहाँ पे हमें बताना है, तो आपको ध्यान देना है संघाई जो है 5G कवरेज के साथ विश्व का पहला जिला जो है बन गया है संघाई। तो आई होप दोस्तों RRB JEE के लिए जो भी स्पेशल करंट अफेयर है उसका वीडियो यही था, तो आई होप यहाँ से जो भी क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आते हैं तो इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा। और भी करंट अफेयर के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।